यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मेरे खेलने वाले हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो सर आप लोगों को तो पता होगा कि यार बेनी की मेरे पास कॉल आई थी, और सर बेनी मेरे से ये बोल रहा था कि यार अभी ना किसी शोरूम में वो गए सेल हो रहा था, तो सर इसलिए मैं और बेनी गए थे सर उस शोरूम को देखने के लिए। तो सर उस शोरूम के प्राइस थे $800 मिलियन। तो सर वो जो शोरूम था सर मैं ले तो लेता, लेकिन सर एक तो सर काफ़ी ज़्यादा महंगा था, ऊपर से सर वो जो उसकी लोकेशन थी ना, मतलब पूरा रेगिस्तानी इलाके में थी, और अगर मैं ले भी लेता ना तो सर वहाँ पर ना अपना जो प्रॉफिट था ना बिल्कुल ठप पड़ जाता, होता नहीं गया सर, और घाटे में चले जाते। तो कैसे उसके बाद मेरे पास लेसर को लेती, और कैसे लेसर में से ये बोल रहा था कि यार अभी ना एक लेसर का दोस्त है जो कि कैसे टेररिस्ट वाले ने किडनैप कर लिया है, तो सर लेसर ये चाहता था मेरे से कि यार मैं उसको रेस्क्यू करा के लाऊं। तो कैसे इसलिए मैं फ्रैंकली ट्रेवर और कैसे एक लेसर का दोस्त और था, और हम सारे सारे गए थे और कैसे टेररिस्ट के बेस पे, और कैसे वहां पर जो है लेसर के दोस्त को भी छुड़ा के लाए थे, साथ में कैसे टेररिस्टों का भूत ही बनाया था। तो कैसे उसके बाद लेसर में से ये बोला कि यार अभी ना जो टेररिस्ट लोग हैं ना, उन्होंने कैसे हमारा जो डाटा ना वो चुरा लिया, एक तरीके से ले लिया है। तो कैसे टेररिस्ट जो लोग हैं हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, और कैसे कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। तो कैसे लेसर तो मैं से ये बोल रहा था कि हमको ना अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, लेकिन कैसे मैंने लेसर से बोल दिया भाई अब इतना डर मार रहा है कि मतलब अंडरग्राउंड होएंगे तो कोई नहीं, कैसे यहाँ पर जो अपनी बाइक को उठाता हूँ और कैसे सीधा ना अभी लेसर के बेस में निकलता हूँ। एक तो कैसे लेसर काफ़ी देर से कॉल कर बुला रहा था, तो कैसे आप लोगों को बताओ कि अब मैंने ना अपनी सारी सारी जो गाड़ी है, मतलब सारी सारी जो सुपर कार्स थी वो मैंने सेल कर दी थी, क्योंकि मेरे को जो है एक मॉल खरीदा था। तो कैसे वो जो मॉल है वो तो कैसे अपना हो चुका है। तो कैसे अभी ना मैंने लमार अमार से बोल रखा उस मॉल की देख रेख करने के लिए, और उसका ना एक मैनेजर मैनेजर भी यार देखना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था लमार कोई बोल देते हैं, बट कोई नहीं गजर, यहाँ पर पहले तो लेसर के पास निकलना पड़ेगा। एक तो गजर लेसर जो है ना कॉल कर भाई परेशान कर देता है, और जब वो कॉल करता ना तो भाई जान ही पड़ता है भाई, वैसे गुस्सा उस्सा हो जाएगा वो भाई। तो कोई नहीं, तो भाई अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर हमको तो 1200 लाइक के लिए तो भाई पूरा करा देना, और गजर अभी तक अगर सेकंड चैनल चेकआउट नहीं करता तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जगह चेकआउट कर सकते हो, उस पर GTA 5 हो सकता है। और गजर मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना बिल्कुल भूला, तो जैसे निकलता मैं लेसर के वहाँ पर। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो, तो कैसे यहाँ पर बाइक को भगाते भगाते जो है अभी कैसे सीधे लेसर की फैक्ट्री में पहुंच चुका हूँ। काफी ज्यादा तेज जो है मैंने कैसे अपनी बाइक को भगाया, तो कोई नहीं बाइक को मैं अभी यहीं पर ही लगा देता हूँ, और कैसे ऊपर की तरफ जल्द से चलते हैं। एक तो कैसे ये जो टेरिस लोग हैं इतने ज्यादा नाक बदम कर रखा ना भाई साहब, मेरा तो जी करता है भाई रैप्टर रैप्टर बजाया जाए। तो कोई नहीं कैसे यहाँ पर जो है अभी ये छुट्टी उट्टी नहीं लेते भाई, छुट्टी उट्टी ले ले करो। तो कोई नहीं कैसे यहाँ पर जो लेसर ही खड़ा हुआ है, सबसे पहले तो कैसे यहाँ पर लेसर बात कर लेता हूँ। तो क्या कैसे यहाँ पर मेरी लेसर से बात हो चुकी है, तो कैसे अभी जो लेसर वो ये बोल रहा है अभी एक सेकंड अभी मुझे बाहर तो जाने दो भाई, अभी ये कहां से आ गए यार ये फ्रैंकली और ट्रेवर, अबे हट जा भाई कैसे ही करके मानेगा। तो कोई नहीं गाइस यहां पर जो लेसर से मेरी बात हो चुकी है, और गाइस जो अभी लेसर वो ये बोल रहा है कि गाइस अभी ना जो टेररिस्ट है गाइस उनके पास हमारा डाटा तो पहुंच चुका है। तो गाइस आप लोग जो ये वैन देख पा रहे हो ना, तो गाइस इसके अंदर एक डाटा रखा हुआ है, और गाइस वो भी लेसर ने जो है फेक डाटा रखा हुआ है। तो गाइस लेसर ये चाहता है कि यार ये जो डाटा ना गाइस ये जो है रिप्लेस कर दिया है, वो भी गाइस टेररिस्टों के डाटा से, मतलब अपने डाटा से, और गाइस जिससे कि गाइस जो टेररिस्ट लोग हैं उनको पता भी ना चले। तो कोई नहीं गाइस यहां पर जो सबसे पहले तो गाइस इसी वैन को लेकर चलता हूँ गाइस, जहाँ पर गाइस लेसर मेरे को बता रहा है ये लोग भी आके बैठ चुके हैं। तो ये जो टेरिस लोग है ना गाइस हमारे जो डाटा लेके गाइस कहाँ पर फिर रहे हैं यार, मेरे को तो कुछ समझ आ रहा, बट कोई नहीं लेसर ने मेरे को जगह बता दिया है। अभी गाइस इनका ना मुंह तोड़ने का टाइम आ चुका है, बहुत चौड़े हो रहे हो भाई ये। तो कोई नहीं यहाँ पर गाइस अपनी वैन को भगाते हैं, और लेसर भाई पहले से पहले जो है प्लान कर बैठा हुआ था गाइस जब मैं आया जब ये वैन ही थी, लेकिन गाइस अब ये जो ये लोग है ना, मतलब फ्रैंकली ट्रैवलर और गाइस एक बंदा और, तो भाई ये जो है गाड़ी लेके आ चुके हैं। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर अपनी वैन को भगाता हूँ। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कैसे यहाँ पर वैन को भगाते भगाते जो है गाइजर उसी लोकेशन पहुंच गए। ओ एक सेकंड एक सेकंड, तो कैसे सबसे पहले तो कैसे यहाँ पर जो है अपनी वैन को लगा दूँ, और देखना पड़ेगा क्या सीन है। बाकी गाइजर लेसर ने तो मेरे को यही लोकेशन बताई थी, तो कोई नहीं गाइजर यहाँ पर आके तो नहीं। ओ भाई अरे अंधे वंधे हो के भाई यार, गाइजर मैं जो है मुझे लग रहा है मैं भी थोड़ा तेजी से जा रहा था। तो कोई नहीं बेटा आराम से काट लो, नहीं तो सही में यहीं पर गोली वोली चल जाएंगे भाई, बदमाश बन रहे हैं। तो कोई नहीं गाइजर लेसर ने तो मेरे को यही लोकेशन बताई थी। तो कैसे आप लोग जो जगह देख पा रहे हो भाई, पूरी की पूरी जो है टेरिसों से भरी पड़ी है इनकी, ऐसी की तैसी। बेटा बहुत चोड़े हो रहे हो, हमारे डाटा चुरा के चोड़े हो गए क्या तुम्हारी भैंस? बेटा तू भी निकल और तू भी निकल, अबे आओ भाई, अबे क्या चूरन से लोग है भाई, अबे फ्रैंकलिन तो भाई मारो भाई इनको, बंदे आ रहे हैं, और कैसे मैं उनका मुंह तोड़ने वाला हूँ भाई, ये तो आने वाले तुम्हारे। आ जा जा बेटा तू आ जा, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। एक घंटे से जो है अपनी शकल दिखाया जा रहा है, इसका भी जो है मैंने मत्था सुझा दिया। एक बंदा और भक्त हो रहा है, अबे ऊपर ऊपर चढ़ चढ़ के बैठे हैं क्या भाई? एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर की तरफ भी चढ़ चढ़ के बैठेंगे। रुको रुको इनकी भैंस क्या बेटा, बदमाश बनेंगे, रुको एक सेकंड। ओ भाई भाई, अबे तेरी भैंस, तू भी निकल। और एक बंदा वो चढ़ के बैठा हुआ, बेटा आप भी निकल यहाँ से, तू भी निकल। ओ भाई सब कितने सारे बंदे हैं। ओ एक सेकंड, आगे की तरफ है ना बंदे बंदे होंगे, तो कैसे इन बंदों को भी जल्दी से निपटा देते हैं। और कैसे यहाँ पर ना एक वैन खड़ी होगी, अब मेरे को
तो कहीं पर वैन नहीं थी। ओ एक सेकंड, तुम्हारी बेटा तेरी है, तू भी निकले यहाँ से। ओके गाइस, यहाँ पर जो वैन तो खड़ी है, तो लेसन जो इसी वैन के बारे में बात कर रहा था, तो कहते ये जो टेरिस लोग है ना गाइस, इस मतलब हमारा जो डाटा इसको ले कहीं और ही जा रहे थे बेटा। हम अच्छा हुआ कि यार हम जो है ना पहले आ चुके हैं, तो कोई नहीं गाइस, अपनी जो वैन है ना गाइस यहाँ पर लानी पड़ेगी, और उसके अंदर जो भी फेक डेटा होगा ना गाइस इसके अंदर रख देंगे, ताकि गाइस जो भी टेरिस लोग आएंगे ना, तो गाइस उनको एक तरीके से पता नहीं चलना चाहिए कि हमने जो डेटा वो रिप्लेस कर दिया है। तो गाइस वो जो टेरिस लोग होंगे ना फेक डेटा को ले जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस इतने दूर वो लेके चले जाएंगे ना, तब तक वो आएंगे ना, तब तक गाइस हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो कोई नहीं, अब यहाँ पर एक एक घंटे में आके बैठ रहे, मैं इतना वेट करूंगा क्या मैं? तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो सारा जो अपने डेटा होगा ना वो गाइस अपनी वैन में रख लूंगा, जो फेक डेटा होगा वो गाइस इनकी वैन में रख दूंगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। तो क्या जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, तो गाइस मैंने जो वैन है ना वो गाइस रिप्लेस कर दिया पूरी अच्छी तरीके से। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो एक सेकंड, तो गाइस ये वैन को लेकर चलते जल्द से, अब जल्दी से आके बैठो भाई। ओके गाइस ये लोग भी आके बैठ चुके हैं। अबे क्या, कैसे, कितने स्लो है भाई, पता नहीं यार फ्रैंकलिन ट्रैवल क्या ही हो चुका है। एक ये बंदा है ना भाई, पूरा एक तरीके से नशेड़ी लग रहा है मेरे को, तो मैं एक घंटा लगा दे रहा है बैठने में। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो वैन को लेकर चलते सीधा अभी लेसर के वहाँ पर, और जैसे मेरे को लग रहा है यहाँ पर सारे चीज़ जो काम है वो ठीक हो चुका है। एक तो कैसे जो लेसर का दोस्त था ना गाइस, जिसको हम रेस्क्यू करा के लाए थे गाइस, अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा, तो गाइस उस बंदे ने गाइस टेरिसो को ना सारा जो डाटा वो दे दिया था, वो भी डर के मारे, तो गाइस टेरिसो ने ना गाइस एक तरीके से उस बंदे को धमका दिया था कि अगर तू डाटा नहीं देगा तो गाइस यहाँ पर ना उसको एक तरीके से मार जाएगा। तो गाइस वो बंदा डर चुका था, तो गाइस इसलिए उसने लेसर का सारा जो डाटा ना वो दे दिया था। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो वैन को लेकर चलते सीधे लेसर की फैक्ट्री में। तो गाइस अभी ना मैं लेसर की फैक्ट्री में जा ही रहा था, तभी यार मेरे पास है ना मिलिट्री वाले कर्नल कॉल आई, और उस कर्नल मेरे को ना तुरंत गोल्फ कोर्स में बुला रहा है, बोल रहा है जल्द से जल्द आ जाओ, कुछ काफी ज्यादा अर्जेंट बात बतानी है। अब गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या ही अर्जेंट बात बतानी है। पहले यार गाइस ये जो वैन ना इसको साइड में लगा, एक सेकंड, यहाँ पर जो वैन को मैं जल्द से लगाता हूँ, और सीधा ना मेरे को गोल्फ कोर्स निकलना पड़ेगा। एक तो गाइस समझ नहीं आ रहा कि यार मिलिट्री वाला कर्नल वो क्यों ही बता रहा है। तो कोई नहीं, जैसा कि आप लोग गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो, तो गाइस पेज हैरिस जो है वो निकल कर आ चुकी है, और भाई सब यहाँ पर जो है ना हमारा जो डेटा है गाइस सक्सेसफुली सेव हो चुका है, जो काफी बढ़िया बात हो चुकी है। और जैसे ये जो डेटा ना गाइस पेज हैरिस लेके जा रही है, और जैसे यहाँ पर सारे जो काम है वो ठीक हो चुका है। और जैसे अभी ना सीधा मैं गाइस मिलिट्री वाले कर्नल के पास निकलूंगा, और देखना पड़ेगा कि यहाँ से ना बाकी गाइस यहाँ पर फ्रैंकलिन ट्रैवर है ये भी अपना निकल जाएंगे। गाइस यहाँ पर मैं अपनी वैन गाड़ी को उठाता हूँ, मतलब अपनी बाइक को उठाता हूँ और सीधा निकलता हूँ। गाइस अभी ना यहाँ पर जो लेसर से मेरी बात भी हो चुकी थी, लेसर बोल रहा था कि बस तुम बस डाटा चुरा के ले आओ और यहाँ पर जो सारे काम ठीक हो जाएगा। और ये जो डेटा है हमने जो टेरिस के हाथों से चुरा लिया है, और अभी सबसे पहले तो कहते हैं मिलिट्री वाले कर्नल के पास निकलता हूँ। एक तो भाई उसने भी नाक में दम कर रखा भाई, कभी इधर से उधर बुलाता रहता है। तो कोई नहीं, बार सुन लेते हैं उसके भी क्या कहना चाह रहा है। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कहते हैं यहाँ पर बाइक को भगाते जो है अभी सीधा कहते हैं गोल्फ कोर्स के पास तो पहुंच चुका हूँ, और यहाँ से इसकी एंट्री किधर की तरफ से होती है भाई? ओके, तो कहते हैं ये रहा लेफ्ट की तरफ जो है, मेरे को बस ले लेनी है। और यहाँ पर पता नहीं मिलिट्री वाले कर्नल क्यों ही बुलाए, वो चल के देख लेते हैं। ओ एक सेकंड, भाई क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर इतनी सारी फोर्स आ रखी है। तो मैं अपनी बाइक को ना एक सेकंड के लिए यहीं पर लगाता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर आ गए तो ये जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। तो भाई इतनी सारी फोर्स यार क्यों ही ला के रख रखी है उन्होंने, भाई कुछ ना कुछ तो गजब ही सीन लग रहा है मेरे को। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो अंदर की तरफ निकलना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि जो कर्नल है ना किस लिए बुला रहा है भाई साहब। अबे मेरे से बात कर रहा है क्या भाई, मेरे को ऐसा कुछ लगा भाई, मेरे को चिल्ला के आवाज़ लगा रहा है। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे भाई कितनी सारी फोर्स जो है ना कर्नल लेकर आता रहता है भाई। ये मुझे लग रहा है फोटो वोटो खींचने के लिए आए होंगे। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ से अंदर की तरफ निकलते हैं और कर्नल से बात करनी पड़ेगी। मैं अंदर की तरफ तो आ चुका हूँ, आज ये गोल्फ कोर्स खाली कैसे पड़ा है भाई? ओ अबे यार खाली पड़ा हुआ कैसे नहीं होगा भाई, मिलिट्री वाला कर्नल आया हुआ है तो गाइस वैसे ही खाली हो जाएगा। यहाँ पर तो मेरे को आगे कहीं भी जो है मिलिट्री वाला कर्नल नहीं दिख रहा है, तो ऊपर की तरफ चल कर देखना पड़ेगा। अगर मैं घूमने लगा ना भाई सदियों भी मतलब सदियों तो नहीं बीतेंगे लेकिन काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक सेकंड भाई, यहाँ पर कितने सारे डोर है भाई। नहीं भाई छोड़ो भाई, अगर मैं ढूंढने लगा ना तो भाई साहब किससे पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर मिलिट्री वाला कर्नल किधर की तरफ है, इनके बाहर की तरफ है चेले वेले खड़े हुए हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, तो कहते यहाँ पर मेरे स्वेट वाले बंदे से बात हो चुकी है, और कहते ये जो बंदा ने ये बोल रहा है कि कर्नल ऊपर की तरफ है तुम्हारा वेट कर रहा है। भाई साहब मेरे को जानते हैं कि ये, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है भाई, ये बोल रहा तुम्हारा ही वेट कर रहा है। तो कहते यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ तो आ चुका हूँ, यहाँ पर भाई किधर की तरफ ही जाऊँ, आग की तरफ है ना पूरा खाली पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ पर भाई इतना बड़ा गोल्फ कोर्स बना रखा है ना उन्होंने, तो कोई नहीं कहते यहाँ पर मैं आगे
की तरफ तो आ चुका हूँ। यहाँ पर तो गाइस मेरे को जो है कोई भी नहीं दिख रहा। ओके गाइस, सामने की तरफ जो है कर्नल मेरे को दिख चुका है। यहाँ पर गाइस सिक्योरिटी गार्ड जो है इन्हें लगा रखे हैं। बाकी गाइस आप लोग एक बार यहाँ से नजारा देखो कितना ज्यादा तगड़ा आ रहा है भाई। इतना ज्यादा बड़ा ग्राउंड है ना, मतलब गाइस इसमें ना अगर क्रिकेट का बनाते ना तो कुछ ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस। यहाँ पर गोल्फ कोर्स भी सही है। वैसे तो गाइस मेरे को आज तक भाई गोल्फ कोर्स के बारे में कुछ, गोल्फ जो गेम है ना भाई, मेरे को तो आज तक कुछ समझ नहीं आता भाई कैसे खेलते हैं। क्रिकेट होता तो कुछ मजा भी आता। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर मिलिट्री वाले कर्नल से बात कर लेता हूँ भाई। किससे बात करने में लग रहा है भाई, मैं आ चुका हूँ, मेरे से बात कर रही जल्दी से। तो ओके गाइस, यहाँ पर मेरी मिलिट्री के कर्नल से बात हो चुकी है। तो गाइस अभी जो कर्नल है वो ये बोल रहा है कि गाइस जो मिलिट्री वाला जनरल है ना गाइस, उसको जो मैनेजर है वो मारा जा चुका है। तो गाइस आप लोगों को पता हो यार, हमने गाइस उसके जो जनरल है ना उसको मार दिया था, मतलब गाइस किडनैप कर लिया था। और गाइस आप लोगों को पता हो यार, वो ना पार्क में घूमने के लिए आ रहा, तभी गाइस हमने जो है उसको पकड़ के गाइस वो लेसर के बेस में ले गए थे। और गाइस उसका जो ना कुत्ता बनाया था काफी ज्यादा अच्छे तरीके से। तो गाइस कर्नल में से ये बोल रहा है कि गाइस अभी ना जो मिलिट्री जनरल है गाइस वो जो है ना किसी अलग ही दौरे पे गया था, किसी देश के दौरे पे गया था गाइस, अभी ना वो वापस आ रहा है। तो गाइस मिलिट्री वाले जनरल में से ये बोल रहा है कि कोई गैंग के बंदे तो गाइस वो है ना प्लानिंग बना रहे हैं, वो भी गाइस मिलिट्री के जनरल को मारने की। तो गाइस कर्नल में से ये बोल रहा है कि तुम जाओ और गाइस जो एयरपोर्ट है ना गाइस उसकी सिक्योरिटी एक बार चेक कर लो, क्योंकि यार कर्नल खुद जानता है, क्योंकि अगर हम है ना मतलब गाइस गैंग वैंग के साथ रहते हैं। तो कर्नल में से ये बोल रहा है कि जितने भी तुम्हारे गैंग वैंग के चेले वेले हो ना, तो सबको बता दो कि मिलिट्री वाले जो जनरल है उस पर अटैक वटैक ना करें, अगर देख लिया ना अटैक करते हुए ये गली में घूमते हुए तो भाई साहब इतनी ज्यादा बुरे से मारा जाएगा ना। तो ये कर्नल है ना, ये तो साफ धमकी दे रहा है मेरे को भी कि यार अपने जितने भी चेल है ना गैंग वैंग के, इन्हें एक तरीके से बता देना, अगर ये तब भी नहीं मानते हैं तो गाइस यहां पर ना कुछ उल्टा सीन कर देगा ये मिलिट्री का जनरल। मतलब गाइस मिलिट्री का कर्नल भी साथ में है। तो गाइस अब है ना जो मिलिट्री का कर्नल है ना भाई साहब, ये भी इतना चौड़ा होने लगा है ना भाई, जब से गाइस मिलिट्री वाला जनरल आया ना, मतलब गाइस अकड़ आ चुकी है इसकी भी भाई, औकात से थोड़ी बढ़ चुकी है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, यहां पर ना मिलिट्री वाले जनरल को तो जैसे करके मारना पड़ेगा। तो गाइस आप लोगों को पता होगा यार, उसने हमारे जो बेसिस है ना सबके सब पर रेड कर दी थी। गाइस हम भाई उसकी प्रोटेक्शन के लिए अभी गाइस एयरपोर्ट जा रहे हैं। मतलब गाइस जो मिलिट्री का कर्नल है ये मेरे से बोला कि यार अभी ना तुम एयरपोर्ट जाओ और वहां पर सारी सारी सिक्योरिटी एक बार चेक कर लो, और गाइस अगर कोई बंदा दिखता है बाहर की तरफ, कोई गैंग वैंग का बंदा, तो उसे डायरेक्टली टपका देना। अगर नहीं टपकाओगे तो भाई साहब यहां पर जो है मिलिट्री वाला कर्नल बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर भी कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी अगर ऐसे नहीं करोगे तो। तो कोई नहीं गाइस, यहां पर जो है अपनी बाइक को उठाता हूं जल्द से, और उसे अभी ना सीधा मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूं। वहां पर गाइस देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या ही सीन चल रहा है। तो गाइस जो जनरल है ना गाइस, वो जो है 2-3 घंटे में गाइस लॉस सैंटोस आने वाला है। तो गाइस वो है ना किसी दौरे पे गया हुआ था, देश के दौरे पे गया हुआ था भाई, वो दूसरे देश के दौरे पे गया हुआ था तभी सही था। अब गाइस वो यहां पर आ जाएगा ना दोबारा से, गाइस वो है ना रेड वेड करने स्टार्ट कर देगा। वैसे भी गाइस लॉस सैंग की तो भाई साहब उसने ना बैंड बजा कर रख रखी थी, तभी गाइस लॉस सैंग का जो बॉस था ना वो मेरे से हेल्प मांग रहा था। तो क्या जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, तो गाइस यहां पर बाइक को भगाते भगाते जो है अभी गाइस लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। तो गाइस यहां पर जो अपनी बाइक को लगा दो, ये क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर मैं अपनी बाइक को लगाने आया था, मैं देख रहा था कि गाइस यहाँ पर जो क्या ही चल रहा है, और एक सेकेंड ही चल क्या रहा है भाई यहाँ पर जो है, बात बात करनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर तो मेरा मिलिट्री वाले कर्नल में से ये कहा था कि यहाँ पर गैंग वैंग के बंदे हो सकते हैं, ये गैंग के बंदे तो मेरे को नहीं लग रहे। बाकी गाइस यहाँ पर गाड़ियाँ कितनी सारी ला रखी हैं भाई, करना क्या चाहते हो, एक सेकेंड यहाँ पर बात करनी पड़ेगी इनसे। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे भाई पिस्टल हाथ में पकड़ी हुई है भाई, किसी को मारने वारने का प्लान है क्या? तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर टकले से बात करता हूँ, ये मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। तो क्या जैसे कि आप लोग की तरफ देख पा रहे हो, तो गाइस मैं तो सोच रहा था ये जो टकला ने ये मेरी बात मान जाएगा, और मैं से पूछ रहा था कि यार यहां पर क्या ही कर रहे हो। तो गाइस ये आप लोग देख पा रहे हो भाई मेरे ऊपर एम करके ऐसे बैठा हुआ है, और ये बोल रहा है कि पहले फुर्सत में यहां से निकल ले, तेरे यहां पर कुछ काम नहीं है। मतलब गाइस यहां पर जो है कर्नल ने मेरे को इसलिए भेजा है यहां पर देखना कि यार मिलिट्री वाला जो जनरल आ रहा है यहां पर, और यहां पर ये बदमाशीगिरी कर रहे हैं। रुको रुको इनकी भैंस का बेटा, बट तेरा टकला तेरी है, निकल यहां से तेरी भैंस यहां, अब निकलो यहां से जल्दी जल्दी। अच्छा बेटा इस टकले के अंदर ज्यादा चोड़पन क्या है, रुको रुको यहां पर एक टकला ही रहा। तुम्हारे भाई बंधु तो भग गए, लेकिन इनका ना तुम्हारी भैंस या तेरी ऐसी की तैसी निकल यहां से। इसको क्या हो गया भाई, तेरे को कौन सी बीमारी लग गई भैया जी? आपको भी जो है मैं सुझा देता हूँ। बाकी तो कहते यहाँ पर इतने सारे बंदे पुशअप मार रहे थे, माइकल नाम नहीं सुना क्या? तुम्हारी भैंस के बेटा सर फाड़ दूंगा एक सेकंड के अंदर। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर जो मैंने काफी अच्छे तरीके से भर दिए भाई, पता नहीं क्या ही बदमाशीगिरी कर रहा था। अब भी तो उनको पता चला भाई कौन ही था माइकल। तो कोई नहीं गाइस यहाँ पर ना मुझे क्या लग रहा है, अपनी बाइक लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है यहाँ पर गाइस। भाई मेरे को बिल्कुल ही भरोसा नहीं यहाँ के बंदों पे। इधर की तरफ मैं अपनी बाइक को लगा दूँ क्या? ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो अपनी बाइक को मैं लगा देता हूँ, ऊपर की तरफ जल्द से चलता हूँ, और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ना इंटर जो एयरपोर्ट है ना गाइस सेफ है नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग देख पाओगे भाई बाहर की तरफ ये बंदे खड़े थे। तो कोई नहीं गाइस यहाँ
अड्डे की तरफ जल्द से निकलता हूँ और बाकी तो वैसे कहते हैं यहाँ पर पुलिस वुलिस तो खड़ी हुई है, लेकिन भाई कैसे चूरन सी पुलिस है भाई, बाहर की तरफ गंदे बंदे खड़े हुए थे मिलिट्री वाले जनरल को मारने के लिए। कोई नहीं, यहाँ से अंदर की तरफ जल्द से निकलता हूँ और वैसे यहाँ पर जो मैं एयरपोर्ट के अंदर तो आ चुका हूँ। बाकी कहते हैं इन्होंने कितना ज़्यादा बड़ा अंदर से एयरपोर्ट बना रखा है, यहाँ पर ATM भी लगा दी गया, पहले यहाँ पर ATM नहीं थे। बाकी कहते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ओ भाई साहब कितना ज़्यादा बड़ा बना दिया भाई, सजावट वजावट भी फुल कर रखी है। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो जल्दी से आगे की तरफ निकलता हूँ, बस मेरे को एक बार राउंड मार लेना और कुछ नहीं करना, बाकी एक बार देख लेता हूँ कि क्या क्या पता यहाँ पर कोई और गैंग वैंग का बंदा ना हो। भाई ये तो वॉशरूम में आ गया भाई, तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर भाई कितना ज़्यादा बड़ा ये एयरपोर्ट बना रखा है भाई, किधर ही जाना है मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोई नहीं गाइस, अभी तो वैसे तो वैसे 12 बज रहे हैं, तो सर 2 बजे तक जो है वो मिलिट्री वाला जज जनरल आने वाला है। अरे भैया जी मेरे पैसे वैसे निकाल लो क्या, मतलब मेरे पैसे नहीं निकाल ले, किसी अपने पैसे निकाल रहा होगा। तो कोई नहीं, ये गेट खुलता है क्या, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है भाई, खुलता उलता होगा। नहीं यार ये लॉक है, स्टाफ ओनली लिखा हुआ है। तो कोई नहीं, यहाँ आगे तरफ निकलता भाई मेडिकल, अबे स्टोर भी बना रखे हैं भाई। आगे की तरफ निकलते हैं और कैसे देखना पड़ेगा कि यार मिलिट्री वाला जो जनरल है ना उसकी सिक्योरिटी किधर की तरफ है, हमको उसको मारना चाहिए यार, उसने हमारे बेस में रेड करी है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो कैसे मैं जो है उससे प्यार से बात करूँगा, लेकिन बाद में जो है ना ये जो जितना भी प्यार अभी दिखा रहा हूँ ना गाइस, सारा मैं निकाल दूँगा एक सेकंड के अंदर। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ ऊपर की तरफ जल्द चलते हैं। बाकी गाइस कितना ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है भाई, पूरा ना खाली करवा रखा है, क्योंकि यार मिलिट्री वाला जनरल आ रहा है और गाइस वो ही जनरल है, इतना ज़्यादा खतरनाक है भाई साहब, कुछ भी कर सकता है। तो कैसे यहाँ पर जो मैं आके तो आ चुका हूँ भाई, पूरा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बड़े मज़े से जो है यहाँ से चमक रहा है। तो कोई नहीं, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मिलिट्री वाले जो जनरल का जेट है ना वो कहाँ पर आने वाला है, ये सामने की तरफ उसी खड़ा है क्या, नहीं उससे का तो हो सकता, बट कोई नहीं यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। और देखें ₹8 में भाई $8 में भाई कॉफ़ी मिल रही है भाई साहब, यहाँ पर ₹5 की चाय मिल जाती है। तो कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो है ना थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं जो जनरल है वो कब तक आता है। तो सर एयरपोर्ट पे वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और आप लोग यहाँ पर देखो, मतलब भाई यहाँ पर जो है जनरल आ भी चुका है और मेरे को कुछ पता नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा दूर खड़ा था ना मैं भाई, कहाँ पर है वो और ये इनका जो प्लेन है वो कहाँ पर लैंड हुआ है। बट कोई नहीं भाई, पूरा एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है भाई, सारे में जो है भाई पुलिस वुलिस की गाड़ियाँ फैला रखी हैं। तो कोई नहीं कहते, अभी जो है मुझे लग रहा है स्पीच वीच भी चल रही होगी, यहाँ पर फोटो वोटो खींचने भी वाले भी आ रखे हैं। यहाँ पर मिलिट्री वाला जो जनरल ना वो भी, मिलिट्री वाला जो कर्नल है ना वो भी कहते आ चुका होगा। ओके ओके, तो भाई पीछे की तरफ खड़ा हुआ चश्मा लगा के, तो कहते मेरे को जो है यहीं से चमक चुका है। तो कहते मेरा तो ये मन कर रहा है यार यहाँ पर ना इसका जो मत्था है ना वो सुझा दूँ, क्योंकि इसने हमारे बेस में ना काफ़ी तगड़े तरीके से अटैक करा। यहाँ पर मेरे पास गन्स भी हैं, लेकिन नहीं नहीं यार अगर मैंने यहाँ पर करा ना, मिलिट्री वाला जनरल भी है भाई, अगर मैंने यहाँ पर कुछ करा ना तो क्या सीधी सी बात है मेरा कहते लॉस सैंटोस में रहना एक तरीके से मुश्किल कर देगा ये जो जनरल है ना। और भाई साहब मेरी नहीं, मतलब कहते माइकल की फैमिली और कहते जो जितने भी माइकल के दोस्त हैं ना, कहते ट्रेवर फ्रैंकलिन और कहते लेसर भाई, इनका भी एक तरीके से मुश्किल कर देगा। तो कहते मैं नहीं चाहता कि यार मेरी वजह से ये भी फंसे हैं। तो कोई नहीं, तो कहते अभी तो कहते इसको छोड़ते हैं, लेकिन कहते इसका भी समय आएगा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो कुत्ता बनाएंगे। तो कहते अभी तो ये अपना भाषण दे रहा है, बट पता नहीं यार कब तक जो है अपना भाषण देगा। तो चलो कहते आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस रखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगेगी अच्छे लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।